हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, आज हम चलते हैं, थोड़ा बात करते चलेंगे। अभी हम आए थे अलबादा, यहाँ से हम जा रहे हैं अब अपने कैंप के लिए, मतलब साइट के लिए जा रहे हैं। तो सोचे कि आप लोग से कुछ बात करते चलें। सो गाइस, चलिए आप करते हैं थोड़ा वीडियो को शुरू। तो चलते हैं हम आगे, आगे चल के हम आपको लोग दिखाते चलेंगे, कुछ नज़ारा जो है वो आपको दिखाते चलेंगे और कुछ कुछ बातें करते चलेंगे हम आपसे। तो सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो बताइए कि सब क्या चल रहा है अभी? यार, मेरा वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। यार प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हम कुछ कर सकते हैं और कुछ आगे बढ़ सकते हैं हम। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सो गाइस, काली काली ऐनका पकड़े काले शू लेके गड्डी, काली काली तेरी गली वाड़ी दा, बच्चे बच्चे विच हिट कुड़िया दा ब्रैड पिट, मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले करी दा, मेरे उत्ते मारी दा तेनू प्यार करी दा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, कितना मस्त दिख रहा है सब। चलिए वीडियो को जैसे देखते रहिए और हमारे प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं और आगे हमको वीडियो बनाने का, हमको और अच्छा दिन लगेगा वीडियो बनाने में। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए हमारे वीडियो को। थोड़ा हम आगे रुकेंगे, होटल पे रुकेंगे, थोड़ा हमको कुछ नाश्ता वास्ता लेना है तो हम रुकने वाले हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है होटल पे। चलिए देखते हैं होटल पर क्या है, क्या मिलता है। सो गाइस, हम आपको सब दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या मिलेगा यहाँ पर, क्या नहीं। तो हम गाड़ी को पार्क करते हैं अब यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं हम। यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला दुकान पे, होटल भी बंद है। तो हम चलते हैं अब साइड के लिए, अब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। चलिए चलते हैं अब रोड पर, चलाते चलाते आप लोग से बातें भी करते रहेंगे और गाड़ी भी चलाते रहेंगे। पुलिस का नकाबंदी था, इसके लिए पुलिस का गाड़ी खड़ा था वहाँ पे,
अभी जाकर देखते हैं आगे है कि नहीं, पुलिस को चला गया है। तो वैसा हमेशा नहीं रहता है, लोग कभी कभी आता है, लोग कभी कभी चला जाता है लोग। तो अभी तो फाइनली गाड़ी तो नहीं दिख रहा है पुलिस का, तो हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। गाड़ी नहीं है, चेक पोस्ट क्रॉस कर गए हैं। प्लीज यार मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए कुछ। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा फिर सपोर्ट? आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम ऐसे ऐसे आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ऐसे कुछ नॉलेज फिर वीडियो लाते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे, कुछ नॉलेज देते रहेंगे। हमारा वीडियो का टॉपिक है सिर्फ हमारा गाड़ी कैसे चलाया जाता है, ये गाड़ी को बारे में हमको बताना हमारा वीडियो का टॉपिक है। हम गाड़ी को बताते रहते हैं और चला के आपको दिखाते भी हैं, और गाड़ी का हर एक सिस्टम स्टेप बाय स्टेप करके हम बताते हैं। सो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल को, ताकि हमारा चैनल न्यू है अभी, इसलिए हम इतना परेशान हैं थोड़ा, और ऐसा कुछ नहीं है, हमारा न्यू चैनल है, थोड़ा हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, आराम से हम वीडियो ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और आप सबको ऐसा कुछ ऐसा अलग अलग तरीके का मतलब वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, कुछ ऐसा ऐसे वीडियो लाएंगे जो आप लोग को कभी कोई नहीं बताया होगा ना कोई दिखाया होगा। सो गाइस प्लीज़ हमारा बात को थोड़ा केयर खोल लीजिए और हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब आप शेयर कर दीजिएगा तो कुछ ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा। ये देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे कैमरा लगा कर रखा है, ये देखिए कंटेनर के पास में आगे कैमरा है, पैनल बॉक्स में कैमरा फिट करके रखता है, जैसे कोई हाथ में मोबाइल चलाते हुए हो गया या हाई स्पीड पर गया तो उसको कैमरा तुरंत कैच करता है उसको, और उसका गरामा 300 रियाल, 500 रियाल, 1000 रियाल, 2000 रियाल ऐसा गरामा आ जाता है उसका, फतूरा कट के आ जाता है, उसके कैमरे पर डाउनलोड कर देता है, आपको भरना ही पड़ेगा उसको, कंपनी प्रोवाइड तो करती नहीं है, आपने जेब से ही भरना पड़ता है। सो फाइनली हम आ चुके हैं अभी रेगिस्तान एरिया में, हम आपको कंटिन्यू दिखाते चलते हैं कि कैसे कैसे रेगिस्तान है सऊदी के अंदर में, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान भरा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर भी देख सकते हैं, पूरा पहाड़ है, रेगिस्तान रेगिस्तान पूरा भरा हुआ है। लेकिन रेगिस्तान एरिया में घूमने में मजा ही कुछ और है दोस्तों। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं इधर दूर दूर तक आपको रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक आपको रेगिस्तान के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा रेगिस्तान के अलावा, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है सऊदी का अंदर। तो गाइस आप देख ही सकते हैं पूरा रेगिस्तान के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है आपको, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक चले जाइएगा ऐसे ही रोड चलता ही चला जाएगा, लेकिन आपको गांव नहीं मिलेगा, एक भी गांव नहीं मिलेगा रेगिस्तान के अलावा। सो आप अंदाज लगा ही सकते हैं इसमें कि सऊदी में कितना आबादी होगा, इसके हिसाब से कितना जनसंख्या होगा सऊदी का आप अंदाज लगा सकते हैं, और अंदाज लगा के आप महसूस कर सकते हैं। कहीं कहीं रोड पे ऐसा ऐसा झाड़ उड़ लगा दिया है, खजूर का पेड़ लगा दिया है, ऐसा लाइटिंग वाइटिंग कहीं कहीं ऐसा कर दिया है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे कहीं लाइटिंग का काम कर दिया है, कहीं खजूर का पेड़ लगा दिया है ऐसा। सऊदी के अंदर में दूसरा कुछ
का पेड़ होता ही नहीं है खजूर के अलावा, और ये जंगली लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता है सऊदी के अंदर में। पूरा जंगली लकड़ी मिलेगा आपको और खजूर ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। कोई चीज़ का पेड़ होता ही नहीं, आप पेड़ लगाइएगा सूख जाएगा, पेड़ लगाइएगा सूख जाएगा। सऊदी के अंदर आपको दो ही चीज देखने को मिलता है, एक तो खजूर का पेड़ और दूसरा रेगिस्तान। थोड़ा आगे हम रुकेंगे क्योंकि हमको सेफ्टी जैकेट पहनना जरूरी है, नहीं तो अंदर एंट्री नहीं होगा, बगैर सेफ्टी जैकेट के हमारा एंट्री नहीं होगा अंदर। इसलिए हम थोड़ा रुक के हम अपना सेफ्टी जैकेट पहन लेंगे, पहन के उसके बाद फिर से चलेंगे हम। देख रहे हैं इतना चौड़ा रोड होने के बावजूद भी अभी रोड कम से कम समझ लीजिएगा कि 50 फीट इस साइड दाहिने साइड और 50 फीट बाएं साइड, दोनों तरफ रोड 50-50 फीट बढ़ा रहा है। और ये 100 फीट हमको लगता है कि 100 फीट के आसपास में अभी भी रोड है, इतना चौड़ा रोड है दोनों तरफ से आने जाने का, 100 फीट के आसपास है अभी रोड और 50-50 फीट बढ़ा रहा है दोनों तरफ, इतना चौड़ा रोड कर रहा है। यह जॉर्डन का रोड है, जॉर्डन हाईवे है, जॉर्डन से सऊदी के अंदर जो एंट्री होता है वही हाईवे है। सो आप देख सकते हैं जॉर्डन हाईवे कैसा है, जॉर्डन का हाईवे। अभी फिलहाल तो रोड का काम चल रहा है इसलिए सब तोड़ फोड़ के पूरा चारों तरफ बैरिकेड कर रखा है, 40 का 50 का स्पीड लिमिट दिया है, बोर्ड पर तो 120 मारा है लेकिन 40-50 इधर है। सो हम आपको दिखाते चलते हैं और बताते चलते हैं कि कैसा क्या है क्या नहीं। कितना चौड़ा चौड़ा रोड आगे बढ़ा रहा है दोनों बाजू, इधर भी बढ़ा रहा है और इस साइड में भी बढ़ा रहा है, इस साइड में भी बढ़ा रहा है रोड, लेकिन इधर से तो थोड़ा वो रोड ऊंचा है इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर का हम दिखा रहे हैं कि कैसा कैसा वीडियो अभी रोड बना रहा है। ये जॉर्डन हाईवे ऐसा कर देगा ना कि दुनिया में कैसे ऐसा रोड नहीं होगा जैसा जितना चौड़ा ये बना रहा है रोड। इतना चौड़ा रोड तो मैं कभी, मतलब बनने के बाद जो जैसा लगेगा ना ऐसा लगेगा कि हाँ हम रोड पर चल रहे हैं, ऐसा रोड बना रहा है। सो फ्रेंड आप लोग तो देख ही रहे हैं कि जॉर्डन के हाईवे पर अभी हम चल रहे हैं, तो आप लोग तो पता ही होगा कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा आप लोग से बात करना था, बात करने का टॉपिक है हमारा और कुछ नहीं है, हम आपसे बात ही करना चाहते हैं। तो हम आपसे बात करते समय में हम वीडियो ब्लॉग थोड़ा बना ले रहे हैं। सो फ्रेंड आप ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ा सा बात ही करना था आप लोग से। और अपने यूट्यूब चैनल का जो सब एक्सप्रेस है SAB एक्सप्रेस, उसको प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा आगे जाने का मौका दीजिए, हमको भी आगे जाने का मौका दीजिए कि ताकि हम भी थोड़ा हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर हम आप लोग से ऐसे ऐसे वीडियो लाएंगे जो कभी कोई आपको यूट्यूब पर वीडियो कोई नहीं डाला होगा। सो गाइस चलिए वीडियो को एंड करेंगे हम, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अभी अपने प्रोजेक्ट पे, साइट पे पहुंच चुके हैं। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे अंदर अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, नहीं तो आपको हम अंदर का भी वीडियो दिखाते, लेकिन हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। अगर चुपके से अगर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अंदर कैसा है, नियम का अंदर क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है क्या नहीं, हम सब बताएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। सो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।